हेलो फ्रेंड्स यूपीएससी स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम बूस्टर में आपका स्वागत है टारगेट यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 ट्वेंटी ट्वेंटी वन के अंतर्गत अक्टूबर महीने का ये हमारा पांचवा डिस्कशन वीडियो है चलिए हम आज का अपना डिस्कशन शुरू करते हैं हमारे डिस्कशन का पहला टॉपिक रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ पहल से संबंधित है आप सोच के देखिए इस प्रकार के पहल की शुरुआत कहाँ की जा सकती है फ्रेंड्स भारत का एक ऐसा शहर भारत की राजधानी सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहरों में से एक है दिल्ली सरकार के द्वारा प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए दिल्ली में युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध अभियान की शुरुआत की गई है इसी अभियान के अंतर्गत एक पहल के रूप में रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ पहल शुरू की गई मुख्य उद्देश्य यही है कि राजधानी के क्षेत्र में जो प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है उसे रोकने की कोशिश की जाए फ्रेंड्स कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जिसे आपको याद रखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है लेकिन समझने के लिए महत्वपूर्ण है यदि हम बात करें दिल्ली में पंजीकृत वाहनों का तो लगभग एक करोड़ वाहन पंजीकृत हैं दिल्ली में भारत में कुल चार महानगर हैं अगर तीन अन्य महानगरों की गाड़ियों को भी गिना जाए तब भी एक करोड़ वाहन पंजीकृत नहीं है दिल्ली एकमात्र ऐसा शहर है जहां एक करोड़ वाहन पंजीकृत हैं अगर इस कार्यक्रम को सफल बना दिया जाता है तो इससे पी एम टेन और पी 2.5 टू पॉइंट फाइव के उत्सर्जन के स्तर में कमी आएगी तो इसे आप ध्यान रखेंगे हम चलते हैं आगे हमारे डिस्कशन का दूसरा टॉपिक ईट राइट मूवमेंट से संबंधित है आपको सबसे पहले यही जानना है कि इस मूवमेंट इस आंदोलन को किसके द्वारा शुरू किया गया है तो इसे फसाई यानी कि भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के द्वारा शुरू किया गया है ऐसा नहीं है कि इसे अभी अभी शुरू किया गया है 2018 में ही इसे शुरू किया गया था अगर हम बात करें कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत क्या किया जाता है इसका उद्देश्य क्या है फ्रेंड्स तीन वर्षों में यानी कि दो हज़ार से दो हज़ार उन्नीस दो हज़ार उन्नीस से दो हज़ार बीस और दो हज़ार बीस से दो हज़ार इक्कीस दो साल हो चुके हैं लास्ट साल इसका चल रहा है उद्देश्य ये रखा गया है कि नमक चीनी और तेल के खपत को 30 प्रतिशत तक कम करना ये इसलिए रखा गया है ताकि भारतीय नागरिकों के भोजन के आदत को ऐसे बदला जाए ताकि वो ऐसे खाद्य पदार्थों को चुने जिनमें नमक का स्तर कम हो चीनी का स्तर कम हो और उसको बनाने के लिए तेल का भी कम उपयोग किया जाता हो यदि ऐसा किया जाता है तो इस प्रकार से उत्पादित उत्पाद को खाने से जो भारतीय लोग हैं उनका स्वास्थ्य स्तर सुधरेगा और यदि ऐसा होता है तो निश्चित रूप से लगभग तीस प्रतिशत के आसपास इन तीनों ही चीज़ों को बचाया जा सकेगा तो आप इसके उद्देश्य को याद रखेंगे लोगों के खाद्य आदत को बदलना किस क्षेत्र में नमक चीनी और तेल के क्षेत्र में अगर एक अन्य महत्वपूर्ण बात को इसके अंतर्गत हम ध्यान दें तो फसाई जो है वो किसके अंतर्गत आता है ये आता है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत 2018 में यूपीएससी ने इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था हमारे डिस्कशन का तीसरा टॉपिक महिला किसान दिवस से संबंधित है 15 अक्टूबर को भारत सरकार के द्वारा महिला किसान दिवस मनाया जाता है भारत सरकार के अंतर्गत कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा लेकिन 15 अक्टूबर को ही संयुक्त राष्ट्र के द्वारा पूरे विश्व में ग्रामीण महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है आप इसे ध्यान रखेंगे भारत सरकार महिला किसान दिवस मना रही है पूरा विश्व ग्रामीण महिला दिवस मना रही है ध्यान रखेंगे उद्देश्य यही है कि जागरूकता पैदा की जाए ताकि जो महिलाएं हैं जो महिला किसान हैं वो अर्थव्यवस्था से जुड़ सकें वो इस प्रकार की कृषि करें ताकि उनके कृषि से अर्थव्यवस्था को सीधा सीधा फायदा हो वो केवल अपने परिवार के लिए कृषि पर ध्यान ना दें बल्कि वो ऐसे गहन कृषि करें जिसकी वजह से अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल सके तो आप इसे ध्यान रखेंगे हमारे डिस्कशन का चौथा टॉपिक अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन से संबंधित है आपने इसके बारे में बहुत बार पढ़ा होगा यदि आपने नहीं पढ़ा तो आप हमें मैसेज करके बताएं आप कमेंट करें हम निश्चित रूप से इसके बारे में जो भी महत्वपूर्ण जानकारी है आपको बता देंगे जो जानकारी जो न्यूज़ में था वो ये है कि अभी इसकी तीसरी बैठक की गई थी और इस बैठक में भारत को इंटरनेशनल सोलर एलायंस का अध्यक्ष चुना गया है और फ्रांस को इसका उपाध्यक्ष चुना गया है इसलिए ये न्यूज़ में था तो इसे आपको ध्यान में रखना है इंटरनेशनल सोलर एलायंस इसके बारे में आप निश्चित रूप से जान रहे होंगे कुछ पुरस्कारों की हम बात कर लेते हैं जो अभी न्यूज़ में थे विश्वेश्वरैया पुरस्कार ये पुरस्कार अभी वितरित किया गया है उस पुरस्कार के अंतर्गत एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए जापान को चुना गया है जबकि यूरोप के लिए नीदरलैंड को चुना गया है ये क्यों दिया जाता है जो ऊर्जा होता है नवीकरणीय ऊर्जा उसको कैसे बेहतर तरीके से उपयोग किया जा रहा है उसके उपयोग को कैसे बढ़ाया जा रहा है उसके आधार पर विश्वेश्वरैया पुरस्कार दिया जाता है कल्पना चावला पुरस्कार ये क्यों दिया जाता है ऊर्जा के क्षेत्र में काम करने वाले वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए कल्पना चावला पुरस्कार दिया जाता है दिवाकर पुरस्कार विकलांग व्यक्तियों के हितों के लिए कार्य करना साथ ही सौर ऊर्जा के अधिकतम उपयोग को बढ़ावा देने के लिए यदि कोई व्यक्ति या तो संगठन या संस्थान कार्य कर रहा है तो उसको दिवाकर पुरस्कार दिया जा सकता है तो ये तीन पुरस्कारों के बारे में भी आप याद रखेंगे ये तीनों पुरस्कार भी किसके साथ जुड़े हुए हैं इंटरनेशनल सोलर एलायंस के साथ हमारे डिस्कशन का पांचवा टॉपिक ताइवान जलडमरू से संबंधित है इसमें सबसे महत्वपूर्ण आपको इसके मैपिंग के एरिया को देखना है ये हमारा प्यारा भारत इधर चीन ये पूर्वी चीन सागर है और नीचे का हिस्सा दक्षिणी चीन सागर है अगर आपको ये पूछा जाए कि ताइवान स्ट्रेट या फिर ताइवान जल डमरू मध्य कहाँ है तो आप कहेंगे ये दक्षिण चीन सागर के अंतर्गत आता है देखने में ये लग सकता है कि यह पूर्वी चीन सागर के अंतर्गत आता होगा लेकिन ऐसा नहीं है ये दक्षिण चीन सागर के अंतर्गत आता है तो आप इसे याद रखेंगे ठीक है चलते हैं आगे हमारे डिस्कशन का छठा टॉपिक पीपुल्स एलायंस फॉर गुप्तकर डिक्लेरेशन से संबंधित है जब यह प्रक्रम चल रहा था कि जम्मू कश्मीर के पूरे क्षेत्र से अनुच्छेद 370 को हटा दिया जाए उसी समय जम्मू कश्मीर की जितनी भी राजनीतिक पार्टियां थी वो एक मंच पर आई और उन्होंने सबसे पहले 2019 4 अगस्त को पहले गुप्तकर डिक्लेरेशन पर हस्ताक्षर किया था उसके बाद इन सारे लोगों को तो नज़रबंद कर दिया गया तो ये लोग आपस में मिल नहीं पाए लेकिन अभी लगभग लगभग जितने भी नेताओं को नज़रबंद किया गया था उनको अब छोड़ दिया गया है वो अब खुले में है तो ये लोग अभी 22 अगस्त को फिर से मिले और इन लोगों ने आपस में बातचीत किया उसके बाद अभी कुछ दिन पहले इन्होंने गुप्तकर घोषणा टू मतलब पहला तो किया गया था 2019 में और दूसरा जो किया गया वो 22 अगस्त 2020 को किया गया लेकिन इसका घोषणा पत्र अभी हस्ताक्षरित किया गया है इसे जम्मू कश्मीर की छह राजनीतिक दलों के द्वारा किया गया है जिसमें कांग्रेस और बीजेपी दोनों शामिल नहीं है इसके अलावा बाकी जो राजनीतिक दल हैं जम्मू कश्मीर के वो इसमें भागीदार हैं इसका मुख्य लक्ष्य यही है कि जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को फिर से बहाल किया जाए ये ऐसे कार्यक्रम संचालित करेंगे या ऐसे मांग करेंगे कि जम्मू कश्मीर में 370 को फिर से बहाल किया जाए तो ये आप ध्यान रखेंगे हम चलते हैं आगे हमारे डिस्कशन का सातवां टॉपिक नंदन कानन जूलॉजिकल पार्क से रिलेटेड है सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये है कहाँ तो ये हमारे प्यारा भारत में उड़ीसा राज्य और उड़ीसा राज्य के अंतर्गत यहाँ पर है नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क ठीक अभी क्यों न्यूज़ में है उसे हम लास्ट में देखते हैं सबसे पहले इससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं उसे हम एक एक करके देखते हैं सबसे पहले भारत का एकमात्र प्राणी उद्यान उद्यान है जो वाजा यानि कि वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ जू एंड एकवोरियम का एक संस्थागत सदस्य बना हुआ है मतलब भारत में इतने सारे हजारों के संख्या में पार्क हैं लेकिन एकमात्र ऐसा राष्ट्र उद्यान है जूलॉजिकल पार्क है जिसको वाजा का संस्थागत सदस्य के रूप में शामिल किया गया है पहली जानकारी आप याद रखेंगे भारत में जो सफेद बाघ हैं वो यहीं पर मिलते हैं इनका आवास जो है वो नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क है इसे भी आप याद रखेंगे 1980 में पहली बार यहाँ पर घड़ियालों के संरक्षित प्रजनन का कार्य शुरू किया गया था और अभी यहाँ पर अच्छी खासी संख्या में घड़ियालों की संख्या है कजिया झील जो है वो एक महत्वपूर्ण आद्र भूमि है और वो राष्ट्र महत्व राष्ट्रीय महत्व का आद्र भूमि है वो भी नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क में है यहीं पर भारतीय पैंगोलिन और लोंग बिल्ड गिद इनके संरक्षण के लिए भी प्रजनन केंद्र की शुरुआत यहीं पर की गई है घड़ियाल और साथ ही साथ दरियाई घोड़े के आवास के रूप में भी कजिया झील को जाना जाता है इसे भी आप ध्यान रखेंगे लुप्त प्राय रेटल यहीं पर अभी प्रजनन कर रहे हैं और इनको यहाँ पर संरक्षित भी किया गया है इसे भी आपको ध्यान रखना है अब जो एक महत्वपूर्ण जानकारी अभी इसको इस जूलॉजिकल पार्क को संचालित किया जाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है क्योंकि पर्यटक जो जाते हैं जिनकी वजह से इसको प्रॉफिट होता है वो अब कम हो गया है अब इसकी वजह से इस जोलॉजिकल पार्क ने क्या किया एक कार्यक्रम की शुरुआत की है जिसके जिसका नाम रखा गया है एडॉप्ट एन एनिमल और इसमें जो वहाँ के जानवर हैं उनको कोई एडॉप्ट करेगा और उसका जितना खर्च आएगा उस व्यक्ति के द्वारा वहन किया जाएगा तो ये पहल की शुरुआत की गई है आपको ये प्रश्न पूछा ही जा सकता है यहाँ पर जो जानकारियाँ लिखी हैं लेकिन ये पूछा जा सकता है कि वह कौन सा जोलॉजिकल पार्क था जिसके अंतर्गत कोरोना वायरस के संक्रमण से या फिर हाल फिलहाल में एडोप्ट एन एनिमल पहल की शुरुआत की गई थी ये आपसे पूछा जा सकता है तो इसलिए इसे आप ध्यान रखेंगे ठीक है चलते हैं आगे हमारे डिस्कशन का आठवां टॉपिक ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल से रिलेटेड है यानी कि बी ए आर सी ये क्या है फ्रेंड्स ये एक ऐसा संस्थान है जो विज्ञापन दाताओं विज्ञापन एजेंसी और प्रसारण कंपनी को कंपनी जितने भी हैं ये तीनों इकाइयां जो हैं उन तीनों को मिला करके एक औद्योगिक निकाय बनाया गया है इसका गठन 2010 में किया गया था लेकिन इसे एक सोसाइटी के रूप में पंजीकृत किया गया है 2015 में क्योंकि 2014 में सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा कुछ दिशा निर्देश दिए गए सूचित किए गए और कहा गया कि भैया आपको एक पंजीकृत सोसाइटी के रूप में रजिस्टर्ड होना चाहिए ताकि आप भारत में जितने भी विज्ञापन के क्षेत्र हैं चाहे वो भ्रामक विज्ञापन हो सही विज्ञापन हो विज्ञापन का क्या स्तर होना चाहिए कितना एडल्ट तक स्वीकार किया जाए ना किया जाए इन सबको रेगुलेट करने का कार्य इसी के द्वारा किया जाता है इसमें मुख्य प्रतिनिधित्व जो है वो द इंडियन सोसाइटी ऑफ एडवर्टाइजर्स इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन और एडवर्टाइजिंग एजेंसीज एसोसिएशन ऑफ इंडिया इन तीनों का प्रतिनिधित्व इसके अंतर्गत है ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन आपको ये ध्यान रखना है मंत्रालय इसे एक पंजीकृत सोसाइटी के रूप में पंजीकृत की गई है 2010 में यह निर्मित किया गया था और ये किस क्षेत्र में कार्य करता है तो ये विज्ञापन के क्षेत्र में कार्य करता है इसे आपको ध्यान रखना है हमारे डिस्कशन का नवा टॉपिक चैप्टर प्रोसीडिंग से संबंधित है क्या होता है सबसे पहले अब हम अभी तक हम लोगों ने जितना पढ़ा वो मिसलिनियस टॉपिक थे जो आपको प्रिलम्स के हिसाब से जानने हैं लेकिन अभी के बाद जितने हम पढ़ रहे हैं वो हमारे सिलेबस से सीधा सीधा मैच करता है तो इसे हम एक एक करके देखते हैं सबसे पहले चैप्टर प्रोसीडिंग क्या होता है इसके बारे में पढ़ने से पहले हम ये देखते हैं कि हमारे सिलेबस के अंतर्गत ये कहाँ आता है तो जीएस पेपर तीन के अंतर्गत आंतरिक सुरक्षा वाला जो हिस्सा है उसमें आप इसे जोड़कर देख सकते हैं अब हम ये देखते हैं कि चैप्टर प्रोसीडिंग क्या होता है फ्रेंड्स चैप्टर प्रोसीडिंग का मतलब ये होता है कि यदि किसी राज्य की पुलिस को ऐसा अनुभव होता है कि कोई व्यक्ति या तो कोई संस्थान कोई संगठन कुछ ऐसे वक्तव्य दे रहा है जिसकी वजह से समाज में अशांति फैल सकती है समाज में भेदभाव फैल सकता है हिंसा हो सकता है तो उस हिंसा को रोकने के लिए पहले ही यदि कोई कदम उठाया जाता है तो उसे ही चैप्टर प्रोसीडिंग कहा जाता है आपने समझ लिया ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें किसी व्यक्ति के संकट उत्पन्न करने या समाज में अशांति भंग करने की संभावना होने पर उस व्यक्ति के विरुद्ध पुलिस द्वारा की जाने वाली एक निवारक कार्रवाई है निवारक कहने का मतलब पहले से ही हम बचाव करेंगे अभी हिंसा हुआ नहीं है अशांति फैली नहीं है लेकिन उसको पहले ही रोकने की कोशिश की जा रही है तो इसी प्रकार के जो प्रोसीडिंग होते हैं उसे चैप्टर प्रोसीडिंग कहा जाता है तो आपने इसे समझ लिया अगर हम बात करें कि करेंट में अभी क्यों आया है ये तो फ्रेंड्स आपने अभी न्यूज में देखा होगा कि जो अर्नब गोस्वामी हैं उनके विरुद्ध चैप्टर प्रोसीडिंग शुरू की गई है मुंबई पुलिस के द्वारा तो इसलिए यह न्यूज में था यदि ये प्रक्रिया शुरू की जाती है तो इसके अंतर्गत दंड प्रक्रिया की धारा 111 यानी कि सी आर पी सी जो है इसके धारा 111 के अंतर्गत व्यक्ति को नोटिस दिया जा सकता है और उस व्यक्ति को तीन तरह से कही जा सकती है कि आप अगर कोई व्यक्ति कोई जिस व्यक्ति को नोटिस दिया जाएगा उसको कार्यकारी मजिस्ट्रेट के सामने या तो कमिश्नर क्षेत्र के एएसपी रैंक के अधिकारी के सामने और या वो व्यक्ति ग्रामीण इलाके का है तो उसको डिप्टी कलेक्टर के सामने प्रस्तुत होना है उसको नोटिस जारी किया जाता है नोटिस जारी करने के बाद में जो अधिकारी है संबंधित अधिकारी है वो उससे पूछताछ करता है उसके बाद उसको उसके आंसर से यदि वो अधिकारी संतुष्ट नहीं होता है तो उसको बॉन्ड पर साइन करने के लिए भी कहा जा सकता है कि आप एक ऐसा लिखित पत्र दें या फिर प्रमाण दें कि आप आने वाले समय में अशांति फैलाने के लिए किसी भी प्रकार का कोई वक्तव्य नहीं देंगे और यदि उसके बावजूद उस व्यक्ति के द्वारा इस प्रकार का कोई वक्तव्य दिया जाता है जिससे अशांति फैलती है तो उस व्यक्ति पर जुर्माना लगाया जा सकता है उस व्यक्ति की क्षमता के अनुसार या फिर उसको जेल में भी डाला जा सकता है तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी चैप्टर प्रोसीडिंग से रिलेटेड इसे आप याद रखेंगे अब देखिए किसी व्यक्ति के विरुद्ध चैप्टर प्रोसीडिंग शुरू कर दी गई हो सकता है कि दबाव में आके किया जाए या फिर कोई और कारण हो कोई साक्ष्य उपलब्ध हो लेकिन व्यक्ति की मनसा ऐसी नहीं थी कि वो समाज में अशांति फैलाए तो इस स्थिति में वो व्यक्ति अपने आप को बचाने के लिए क्या करेगा बड़ा सिंपल उपाय है उसके व्यक्तिगत हितों का हनन हो रहा है तो वो अपने मूल अधिकार के हनन को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकता है या तो हाई कोर्ट जा सकता है तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे हमारे डिस्कशन का दसवां टॉपिक घरेलू हिंसा के खिलाफ जो अधिनियम बनाया गया था 2005 में उससे संबंधित है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस पर कुछ टिप्पणियां की गई हैं उन टिप्पणियों को आप मेंस के लिए यूज़ करेंगे लेकिन जो प्रिलिम्स के लिए और जो समझने वाला बात है उसे मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले हम बात करें हमारे सिलेबस के अंतर्गत तो घरेलू हिंसा के खिलाफ जो अधिनियम बनाया गया था वो हमारे जीएस पेपर वन के अंतर्गत आता है जिसके अंतर्गत महिलाओं की भूमिका महिला संगठन ये महत्वपूर्ण है अगर हम बात करें इस अधिनियम के अंतर्गत तो आप ध्यान से सुनेंगे इस अधिनियम को मुख्य रूप से परिवार के भीतर किसी भी प्रकार का हिंसा होता है किसी भी प्रकार से महिलाओं को सताया जाता है डराया जाता है धमकाया जाता है उनको पीड़ित किया जाता है चाहे वो शारीरिक रूप से हो या फिर मानसिक रूप से हो या फिर या फिर उनको सेक्सुअल हरासमेंट का सामना करना पड़ रहा हो तो इन तीनों ही आधार पर सुरक्षा और राहत देने के लिए इस अधिनियम को बनाया गया था ठीक है पहली बात आपको ये याद रखना है दूसरी बात यदि कोई कपल ऐसा है जो लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा है तो उसको भी इसी अधिनियम के अंतर्गत मान्यता दी गई थी यानी कि लिव इन रिलेशनशिप में कोई जोड़ा कोई कपल अगर रह रहा है तो उस कपल को ना तो लड़की के घर वाले और न ही लड़के के घर वाले परेशान करेंगे कोई परेशान नहीं कर सकता अगर किया जाता है परेशान किसी भी किसी के भी द्वारा चाहे सोसाइटी के द्वारा हो दोस्तों के द्वारा हो कोई भी ऐसा परेशान कर रहा है तो वो व्यक्ति पुलिस के पास जाएगा और पुलिस के पास भी नहीं जा रहा है तो कोर्ट के पास जाएगा और वो अपनी सुरक्षा की मांग कर सकता है तो इसे भी आपको ध्यान रखना है ठीक है बहुत सारी टिप्पणियाँ अच्छी अच्छी टिप्पणियाँ की गई उन उन लाइनों का उपयोग मेंस में किया जा सकता है तो आप इसे ध्यान रखेंगे आपने न्यूज़पेपर पढ़ा होगा तो आई थिंक उसके बारे में आपने देख लिया होगा हमारे डिस्कशन का ग्यारहवां टॉपिक जो है वो सरल जीवा जीवन बीमा से रिलेटेड है सबसे पहले हम इसे समझने की कोशिश करते हैं सरल जीवन बीमा होता क्या है आपने बहुत सारे ऐसे जीवन बीमा के उत्पाद देखे होंगे जिसको आपने पढ़ा भी होगा तो आप समझ नहीं पाए होंगे या फिर जब इंश्योरेंस कराने वाला व्यक्ति आपके पास आता है तब भी आपको बहुत कुछ नहीं समझ में आता होगा तो इरडा यानी कि जो भारत में इंश्योरेंस बीमा क्षेत्र का नियामक है जितने भी बीमा किए जाते हैं उन सारे चीजों को रेगुलेट करने का कार्य करता है इनके द्वारा अभी जितने भी कंपनियां हैं बीमा कराने वाली कंपनियां, उनको कहा गया कि आप एक स्टैंडर्ड इंडिविजुअल इंडिविजुअल टर्म लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट लेकर आइए ताकि हर व्यक्ति के लिए एक अलग जीवन बीमा हो और वो जो जीवन बीमा होगा वो हर चीज को कवर करेगा चाहे वो इस उसके एक्सीडेंट से रिलेटेड है उसके तबीयत खराब से रिलेटेड है या फिर उसके अपंग हो जाने से रिलेटेड है या फिर उसके मौत से रिलेटेड है सारे चीज़ों को कवर करेगा ऐसा एकमात्र जीवन बीमा का पत्र या फिर प्रोडक्ट लेकर आने के लिए कहा गया है तो इसलिए ये न्यूज़ में था इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जो गलत प्रकार से बिक्री की जाती है या फिर जो भ्रामक बीमा उत्पाद होते हैं उनको रोका जाए उनको समय सीमा दिया गया है बीमा भी, कंपनियों को कि एक जनवरी 2021 तक आप इसे बाजार में पेश कर दें अगर हम बात करें हमारे सिलेबस का तो जीएस पेपर टू के अंतर्गत केंद्र एवं राज्य द्वारा जनसंख्या के अति संवेदनशील वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं इन योजनाओं के कार्य निष्पादन इससे जोड़कर आप देख सकते हैं इसकी कुछ विशेषताएं हैं हम उसे देखते हैं क्योंकि ये विशेषताएं हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं जो बीमा से रिलेटेड अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां थी उसको तो मैंने आपको बता दिया इर्डा जो है वो रेगुलेट करती है अब इस जो दिशा निर्देश दिए गए हैं कि जो अभी आप इंडिविजुअल लाइफ इंश्योरेंस लेकर आएंगे इंडिविजुअल स्टैंडर्ड इंडिविजुअल टर्म लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट लेकर आएंगे तो उसमें क्या होना चाहिए ताकि लोग उसको पसंद करें तो इसे हम एक एक करके देखते हैं सबसे पहले जो पॉलिसी धारक है उसी अवधि में मतलब जब उसका पॉलिसी चल रहा है उसी बीच में यदि पॉलिसी कराने वाले व्यक्ति का मृत्यु हो जाता है तो जो नॉमिनी है उसको जितनी राशि इंश्योरेंस कराई गई थी उतनी राशि के लिए क्लेम करने का अधिकार होगा और इंश्योरेंस कंपनी का यह दायित्व तो बनता है कि वो पूरी की पूरी राशि को नॉमिनी को उपलब्ध कराए ठीक पहली जानकारी दूसरा जब बीमा कराया जाएगा तो बीमा कराते हुए किसी भी प्रकार का जेंडर आवास यात्रा पेशा शैक्षणिक योग्यता इनको ध्यान में नहीं रखा जाएगा चाहे वो गरीब हो धनी हो चाहे वो ट्रांसजेंडर हो लड़की हो लड़का हो कोई भी हो चाहे वो कहीं भी रहता हो उसके लिए एक ही प्रकार का लाइफ इंश्योरेंस होगा अलग अलग प्रकार के नहीं होंगे जो पात्रता है कौन लोग इस जीवन बीमा को ले सकता है तो उसकी उम्र जो है वो अट्ठारह से पैंसठ वर्ष के बीच होगी जो पॉलिसी की अवधि होगी वो पाँच साल से लेकर चालीस साल के बीच में होगी अंतर सिर्फ यहाँ होगा मतलब कोई व्यक्ति चाहे तो पाँच छः साल का ले सकता है कोई व्यक्ति चाहे तो अपना लाइफ इंश्योरेंस बीस साल का करा सकता है कोई व्यक्ति चाहे तो पचास साल का करा सकता है नहीं पचास साल नहीं करा सकता वो चालीस साल तक का ही करा सकता है उससे ज़्यादा नहीं करा सकता ठीक अधिकतम परिपक्वता अवधि जो होगी वो सत्तर साल होगी आप पचहत्तर साल बहत्तर साल नहीं कर सकते मतलब सत्तर साल ही मैक्सिमम होगी तो ये भी ध्यान में रखेंगे मैक्सिमम जो इंश्योरेंस किया जाएगा मिनिमम जो इंश्योरेंस किया जाएगा वो पाँच लाख और मैक्सिमम जो होगा अधिकतम होगा वो पच्चीस लाख होगा कुछ टर्म और कंडीशन दिए गए हैं जिसके आधार पर पच्चीस लाख से अधिक का भी कराया जा सकता है ठीक किस कंडीशन में जो पॉलिसी का पैसा है वो नहीं मिलेगा एकमात्र कंडीशन आत्महत्या यदि कोई व्यक्ति इन्स, लाइफ इंश्योरेंस करा लेता है फिर जाकर आत्महत्या कर लेता है तो उस व्यक्ति के पैसे को नहीं रिटर्न किया जाएगा उसके बीमा को नहीं दिया जाएगा चाहे वो नॉमिनी हो या फिर कोई भी हो किसी को नहीं दिया जाएगा तो इसे आप ध्यान रखेंगे तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी जैसे मैंने आपको बताया कि दुर्घटना या फिर स्थायी विकलांगता का लाभ भी इसी पॉलिसी के अंतर्गत रखा जाना है ठीक चलते हैं आगे हमारे डिस्कशन का बारहवां टॉपिक राष्ट्र जहाज़ पुनर्चक्रण प्राधिकरण से संबंधित है इसे आप हमारे जीएस पेपर टू के अंतर्गत सांविधिक विनियामक और विभिन्न अर्ध न्यायिक निकाय से जोड़कर देख सकते हैं क्या किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा जहाजरानी महानिदेशालय को राष्ट्र जहाज़ पुनर्चक्रण प्राधिकरण के रूप में अधिसूचित किया गया है यानी कि भारत में पहले से जहाज रानी महानिदेशालय है जहाजरानी मंत्रालय के अंतर्गत उसी निदेश महानिदेशालय को अब एक अन्य काम सौंपा गया है राष्ट्र जहाज़ पुनर्चक्रण प्राधिकरण के रूप में भी ये अब कार्य करेगा क्या कार्य करेगा इसका कार्य ये होगा कि जो भारत में जितनी भी आ, रिसाइकलिंग का कार्य किया जाता है मतलब जो जहाज़ टूट फूट जाते हैं जिनकी समयावधि खत्म हो जाती है जिनका वैलिडिटी ख़त्म हो जाता है तो उसको तोड़ा फोड़ा जाता है फिर उसको रिस्ट्रक्चर किया जाता है उसको रिसाइकलिंग किया की जाती है और रिसाइकलिंग करने के बाद उसे फिर से बाज़ार में उतारा जाता है तो इस पूरे प्रोसेस की देखरेख अब जहाज़रानी महानिदेशालय के द्वारा किया जाएगा और जब ये आ, देख रेख करेगा तो इसे राष्ट्रीय जहाज पुनर्चक्रण प्राधिकरण के रूप में माना जाएगा ठीक तो ये जहाज़रानी मतलब पुनर्चक्रण से संबंधित कोई भी कार्य हो चाहे वो प्रबंधन से संबंधित हो निगरानी से संबंधन संबंधित हो या फिर पर्यवेक्षण से संबंधित हो सारे कार्यों को यही देखेगा तो इससे संबंधित कुछ और जानकारियां हैं उसे हम देखते हैं सबसे पहले अगर हम बात करें भारत में तो भारत लगभग पूरे विश्व में जितने भी पुनर्चक्रण का कार्य होता है रिसाइकलिंग का कार्य होता है जहाज़ों के मामले में उसके तीस प्रतिशत की भागीदारी करता है मतलब लगभग पूरे विश्व पूरे विश्व में लगभग आठ सौ जहाज हर साल सेवा मुक्त होते हैं मतलब उनकी वैलिडिटी समाप्त होती है उनमें से दो सौ पचास जहाज भारत में पुनर्चक्रित किए जाते हैं और उसमें भी मुख्य रूप से एक बंदरगाह है अलंग बंदरगाह ये गुजरात में है आई थिंक गुजरात में है जहाँ तक मुझे याद आ रहा है आप एक बार सर्च करके देख लीजिएगा तो वहीं पर पुनर्चक्रण का कार्य किया जाता है ठीक है इसे आप याद रखेंगे यानी कि पूरी वि, पूरे विश्व में भारत पुनर्चक्रण करने वाले मामले में पहले स्थान पर है दूसरे स्थान पर है बांग्लादेश तो पहला और दूसरा ही आपको याद रखना है निर्माण की दृष्टि से हम देखें तो सबसे ज़्यादा जहाज पानी जहाज जो है वो इस एस, एशिया में ही किए जाते हैं एशिया के दक्षिण कोरिया और जापान में निर्मित किए जाते हैं और पुनर्चक्रण का कार्य किया जाता है भारत में पहले स्थान पर और बांग्लादेश में दूसरे स्थान पर तो आप इसे ध्यान रखें कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां जिसको आपको याद रखना है 2020 में यूपीएससी ने पूछा था कि अभिसमय ये ये अभिसमय है आप उसको मैचिंग कराइए देखिए हांगकांग अभिसमय जो है वो जहाज पुनर्चक्रण से संबंधित है हालांकि ये 2009 में किया गया 2019 में भारत ने इसकी मंजूरी दे दी मतलब अब हम इसके पक्षकार हैं इस अभिसमय के पक्षकार हैं लेकिन ये अभिसमय अभी लागू नहीं हुआ है तीन जानकारियाँ हम लोगों ने डिस्कस की पहला 2009 में नौ में समय अभिसमय को हस्ताक्षरित किया गया था भारत ने 2019 में इसकी पुष्टि की है लेकिन अभी ये लागू नहीं हुआ है ये इस अभिसमय का लक्ष्य क्या है उद्देश्य क्या है इसका उद्देश्य ये है कि जितने भी जहाज़ हैं जिनकी समयावधि समाप्त हो जाती है उनको इस प्रकार से यूज़ किया जाए या तो रिसाइकल किया जाए जिसकी वजह से पर्यावरण को नुकसान नहीं होना चाहिए मतलब ऐसा नहीं है कि किसी की समयावधि यदि समाप्त हो गई है तो उसको ऐसे फेंक दिया जाए या फिर कहीं छोड़ दिया जाए जिसकी वजह से पर्यावरण को नुकसान हो इसी चीज को रोकने के लिए होंगकोंग अभी समय किया गया था तो इसे आप ध्यान रखेंगे हम चलते हैं आगे हमारे डिस्कशन का तेरहवा टॉपिक जो है वो जीएलपी से संबंधित है हम ये देखते हैं कि जीएलपी क्या है उससे पहले ये देखते हैं कि जीएलपी का भारत को अभी उपाध्यक्ष चुना गया है और जी जो है वो ओ के अंतर्गत कार्य करता है जी का फुल फॉर्म होता है गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस क्या होता है ये फ्रेंड्स देखिए पूरे विश्व में बहुत सारे ऐसे रासायनिक उत्पाद बनाए जाते हैं कुछ ऐसे रासायनिक चीज़ें होती हैं केमिकल होती हैं जिनको खाद्य पदार्थ में भी उपयोग किया जाता है कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो खाद्य पदार्थ के इतर जैसे कि चेहरे में लगाने के लिए कॉस्मेटिक के रूप में किसी केमिकल के रूप में चाहे वो खेतों में यूज़ किया जाना हो या फिर किसी चीज़ को साफ सफाई करना हो बहुत सारे रासायनिक चीज़ें होती हैं तो उन रासायनिक चीज़ों को कुछ इस प्रकार से रेगुलेट किया जाए कुछ इस प्रकार से मान्य हो ताकि जो अधिकारी उन उत्पादों को देख रेख कर रहा है उसका विश्वास बना रहे और उसका मिसयूज़ ना हो इसी चीज़ को इसी चीज़ को देख रेख करने के लिए गुणवत्ता के मानक तय किए गए थे ओ के अंतर्गत और उसे ही जी यानी कि गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस कहा जाता है तो आपने इसे देख लिया आप हमारे इस डिस्कशन को जी पेपर टू के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण संस्थान से जोड़कर देख सकते हैं आपको इसमें याद क्या रखना है इसमें आपको याद रखना है जी क्या होता है और ओ से रिलेटेड जानकारियाँ तो जैसे मैंने आपको बताया जी क्या है ये एक प्रकार का गुणवत्ता प्रणाली है जो किसके द्वारा तय किया गया है ओ के द्वारा कौन से क्षेत्र में मुख्य रूप से जो औद्योगिक रसायन होते हैं या फिर फार्मा स्क्यूटिकल्स होते हैं कुछ ऐसे एग्रोकेमिकल होते हैं कॉस्मेटिक होते हैं खाद्य योजक होते हैं यानी कि वो कुछ केमिकल होते हैं इंग्रेडिएंट होते हैं जिनको खाद्य पदार्थों में जोड़ा जाता है चिकित्सा उपकरण होते हैं तो इन सब को रेगुलेट करने के लिए ताकि इनका विश्वास बना रहे और इनका मिसयूज ना हो इसे रोकने के लिए ही इसे किया गया था तो इसे आप ध्यान रखेंगे अगर हम बात करें ओ का तो इसमें कुल छत्तीस देश हैं इसकी स्थापना 1961 में की गई थी ओ का मुख्यालय जो है वो फ्रांस में है फ्रांस पेरिस में इसे आप ध्यान रखेंगे इसका मुख्य उद्देश्य लक्ष्य जो है वो यही है कि आर्थिक और सामाजिक कल्याण में सुधार लाने वाली ऐसी नीतियों को बढ़ावा दिया जाए जिससे समस्त विश्व में आर्थिक समृद्धि आ सके जो छत्तीस देश हैं उनका आपको नाम याद नहीं रखना है यूपीएससी ने इस बार हालांकि पूछा था कि कौन से कौन से वो देश हैं जी में यही पूछा था ना जी में ही पूछा था आई थिंक आप देख लेंगे अगर हम बात करें इसके कौन से सदस्य नहीं हैं तो फ्रेंड्स इसमें क्या भारत है नहीं है चीन है नहीं है इसमें जा, जापान तो है इसमें पाकिस्तान है नहीं है तो मुख्य रूप से तो आपको तीन ही याद रखना है भारत पाकिस्तान और जापान ये है कि नहीं तो ये तीनों के तीनों इसके सदस्य नहीं हैं तो फिर भारत इसका उपाध्यक्ष कैसे बन गया देखिए भारत ओ ई सी डी का सीधा सीधा सदस्य नहीं है लेकिन ओ के बहुत सारे अलग अलग इकाइयां हैं घटक हैं और उन घटकों का भारत सदस्य है ओ का सदस्य नहीं है लेकिन जो अलग अलग इकाइयां हैं अलग अलग घटक हैं उसका भारत सदस्य है इसलिए भारत इसका सदस्य उपाध्यक्ष चुना गया है जी का ठीक हमारे डिस्कशन का चौ टॉपिक जो है वो इनक्रिप इंक्रिप्शन से रिलेटेड है भारत अभी ब्रिटेन के द्वारा चलाया जा रहा है एक प्रकार का कार्यक्रम एक प्रकार का नेतृत्व जिसमें इनक्रिप्टेड ऑनलाइन संदेश जो होते हैं उनके विरुद्ध अभियान चलाया गया है तो भारत और जापान अभी इसमें शामिल हो गए हैं इसलिए ये न्यूज़ में है तो हम सबसे पहले हमारे लिए महत्वपूर्ण यही है कि इनक्रिप्शन क्या होता है एंड टू एंड इनक्रिप्शन क्या होता है देखिए आप आपने व्हाट्सएप में बहुत सारे मैसेज किए होंगे जब आप मैसेज करेंगे व्हाट्सएप से तो आप या तो हिंदी में लिखेंगे या तो इंग्लिश में लिखेंगे या तो उर्दू में लिखेंगे या तो आपका जो क्षेत्रीय भाषा है वहाँ लिखेंगे जब आप लिखेंगे तब तक ठीक है जैसे ही आपने इसे सेंड किया तो वो सर्वर में जाएगा जब तक जैसे ही आपने सेंड किया वो सेंड हो गया तो वो एक अलग प्रकार का कोड धारण धारण कर लेता है एक अलग प्रकार का इनक्रिप्टेड फॉर्म में चला जाता है जिसको कोई नहीं पढ़ सकता यहाँ तक कि जो जिस सर्वर में वो गया है जिस सर्वर में वो स्टोर हुआ या फिर जिस सर्वर से वो जा रहा है उसको रेगुलेट करने वाला भी इस इनक्रिप्टेड फॉर्म को इस इनक्रिप्टेड मैसेज को नहीं पढ़ सकता है लेकिन जैसे ही वो डिलीवर हो जाएगा डिलीवर होने के बाद वो उसी फॉर्म में उसी फॉर्मेट में आ जाएगा जिसमें आपने लिखा था यानी कि एंड टू एंड इंक्रिप्शन कहने का मतलब है आपने भेजा जिस फॉर्म में भेजा आप पढ़ सकते थे सामने वाला जिसके पास आपने भेजा जिसके पास वो डिलीवर हुआ वो पढ़ सकता है बीच में कोई भी व्यक्ति इसे नहीं पढ़ सकता है तो ये जितने भी मैसेजिंग uh, मैसेजिंग मैसेजिंग से रिलेटेड जितने भी साइट हैं चाहे वो फेसबुक है या फिर व्हाट्सएप है या फिर दूसरे कोई भी हैं इसी पद्धति का पालन करते हैं और ये इंडिविजुअल के जो प्राइवेसी है उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है लेकिन जो ब्रिटेन है या फिर भारत है उनका कहना है कि ये नहीं होना चाहिए क्यों नहीं होना चाहिए कि क्योंकि इससे इंडिविजुअल का प्राइवेसी वाला मैटर तो ठीक लेकिन इस तकनीक का उपयोग कुछ अलग अलग गलत कार्यों के लिए किए जा रहे हैं जैसे कि आतंकवादियों के द्वारा दूसरा जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी होता है उसके एरिया में किए जा रहे हैं तो जो लोग ये गलतियां कर रहे हैं उनको पकड़ने में दिक्कत हो रही है तो आप इसलिए जो सर्वर है वहाँ पर इनक्रिप्टेड फॉर्म में मत रखिए और वहाँ पहुँच दीजिए जिस देश में आप कार्य कर रहे हैं जैसे भारत में कार्य किया जा रहा है तो भारत में जो सर्वर है वहाँ पर आप हमारा पहुँच दीजिए ताकि कोई व्यक्ति यदि इस प्रकार की अवैध गतिविधियाँ कर रहा है तो उसे पकड़ा जा सके तो ये कहना है भारत और इस तरह के बहुत सारे जो देश हैं उसका तो इसीलिए सबसे पहले फाइव आई नाम करके एक लाइन्स बनाया गया जिसमें यूएसए, यूके, कनाडा ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड थे आगे चल के ये नाइन ई हो जाता है यानी कि नाइन आई हो जाता है उसके आगे जाके फिर ये फोर्टीन आई अभी दो और जुड़ गए हैं भारत और जापान अब ये कितना बन जाएगा सिक्सटीन तो ये न्यूज़ में था आप इसे ध्यान रखेंगे तो ये फ्रेंड्स हमारा आज का डिस्कशन था आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइए आपका हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे डिस्कशन का पीडीएफ आप हमारे पेड ग्रुप में ज्वाइन करके और प्राप्त कर सकते हैं पेड ग्रुप बहुत सस्ता है एक रुपया पर महीना एक रुपया पर डे रखा गया है मतलब जो पीडीएफ हम बनाते हैं जिसको हमने अभी डिस्कशन किया है वो आपको मात्र एक रुपया में मिलेगा मतलब आपको एक महीने में मात्र उनतीस रुपया देना है इकतीस या तीस रुपया भी नहीं देना है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद